करुणाधाम आश्रम द्वारा गाथा श्री राम की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 जनवरी को रविंद्र भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में उनके जन्म, जीवन और जय की कहानी दिखाई जाएगी। पूरा देश उनके जीवन से प्रेरणा ले। उनका जन्म स्थान यानी अयोध्या, जो कि सनातन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, वहीं होने जा रहे भगवान राम मंदिर के निर्माण की पूरी गाथा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएगी। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव सुरेश शाडिल्य ने बताया कि गाथा राम मंदिर की ये प्रस्तुति एक लाइव म्यूजिकल बैंड के साथ होती है। इसमें प्रस्तुतकर्ता मोहित शिवानी अयोध्या और श्री राम मंदिर की पूरी गाथा सुनाते हैं। सुरेश शाडिल्य, पीठाधीश्वर, करुणाधाम आश्रम, संवाददाता अमृता शर्मा की रिपोर्ट। अभी आयोजन जिसकी रूपरेखा हमारे मोहित शिवानी जी के मस्तिष्क में श्री राम ने डाली हुई नहीं, मैं निवेदन किया था कि मैं यहीं रह के वो दिवाली मनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सभी लोग चले गए तो ये पूरे देश का है, केवल अयोध्या नहीं है। केंद्र बिंदु जरूर अयोध्या है, लेकिन ये पूरे देश का पर्व है, तो हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि 22 तारीख को दिवाली जैसा ही वातावरण घर में और मन में बनाएं, दीप प्रज्वलित करें, लाइट करें, आतिशबाजी करें, और जो ये सब नहीं कर सकते वो आश्रम पधारें, क्योंकि यहाँ 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी।